आज बीजेपी की आम मोर्चा प्रभारी जम्मू व कश्मीर मुनीश शर्मा और रियासी सेक्रेटरी बीजेपी हाजी तारिक हुसैन की ने ब्लॉक मगल मैदान का एक दौरा किया और वहां पर शक्ति केंद्र प्रमुखों और यूथ सदरों के साथ एक मीटिंग की। उनसे पार्टी की कारकर्दगी के बारे में जानकारी ली और मीटिंग में मौजूद तमाम लोगों को यकीन दिलाया कि भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू व कश्मीर के लोगों के साथ जितने भी वादे किए हैं वो उनको जरूर पूरा करेगी। इस मौके पर स्टेट सेक्रेटरी बीजेपी हाजी तारिक हुसैन की इनका कहना था कि हमने हमेशा इंद्रोल के अवाम के हक की बात की है और हमेशा करते रहेंगे। इस मौके पर उनका मजीद कहना था कि बहुत जल्द वो दौर आएगा कि इंद्रोल की अवाम तानाशाही निजाम से आजादी हासिल करेगी और अपने बच्चों के मुस्तकबिल को संवारेगी। उनका कहना था कि इंद्रोल के नौजवान सबसे ज्यादा बेरोजगारी की वजह से परेशान है और हम उनके इस परेशानी के खात्मे के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट इंद्रोल में शुरू कर रहे हैं। श्री केपी नड्डा जी, श्री रविंद्र रैना जी, श्री अशोक पाल जी, श्री सुनील शर्मा जी, श्री मनीष शर्मा जी, श्री तारिक हुसैन तीन साहब, यहाँ पे एसएसआरपी की तरफ से जो भी पढ़ा लिखा हुआ नौजवान कंपटीशन वाला होगा वो फॉर्म भरे, उसके बाद साथ में ब्लॉक में जो भी गड़बड़ होती है वो आज थोड़ी बहुत कम हुई है, पूरी कम हो जाएगी, ये आपसे वादा है। एक नारा दूंगा, उसके साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जेपी नड्डा साहब, रविंद्र रैना जी, अशोक कौल जी, सुनील शर्मा जी, मुनीश शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी। मैं बड़े अदब एहतराम के साथ आपके चहेते, अपने चहेते, हम सबके मार्गदर्शक और जिनको आप सुनने के लिए बेताब हैं उनको दावत दूंगा, लेकिन उन यहाँ पे गुजारिश भी करूंगा, यहाँ पे कांग्रेस से, कांग्रेस के स्ट्रांग जो उनकी एक पूरी टीम थी कांग्रेस की डटपिट से, वो है लगभग वो 29 लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और आपके हाथों से उनकी हौसला अफजाई हो और आप उन्हें माला पहनाकर आपकी तकरीर के बाद ये करेंगे कि पहले करेंगे, पहले आप इनको संबोधित करें और उसके बाद ये 29 लोग हैं इनको आप माला पहनाकर भाजपा में हम इनको वेलकम करते हैं। एक बार इनके लिए तालियां। आपकी जीत नहीं होगी और तमाम काम होंगे। हाँ, साथ में आप घबराइए नहीं, हम जो वादा करते हैं भारतीय जनता पार्टी जो वादा करती है करके दिखाती है, समय जरूर लगेगा। आस्था आस्था मुझे यह बात बताइए, कभी मेरे किसान भाई को किसी ने भी पूछा था कि तेरे घर में चूल्हा चलता है, मेरे घर में गैस चलता है, ये गैस ले ले, लेकिन ये वो भारतीय जनता पार्टी है, चूल्हे से लेकर राशन से लेकर पेंशन से लेकर 3000 एसपीओ को की तनख्वाहों को बढ़ाकर 18,000 पहुंचाकर, वो उतना ही नहीं